जय महाराष्ट्र, जय भारत। मैं इतनी खुश हूं आज के हमारे उद्धव ठाकरे जी ने, हाँ हाँ, महाराष्ट्र के सीएम, गर्व से कहती हूँ, महाराष्ट्र के सीएम हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तोतली को। हाँ हाँ, तोतली को, जो बड़े बड़े सीएम और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों को जी जी करके बुलाती है तोतली। और हम अभी मैंने एक वीडियो देखा कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम को नाम से पुकार रही है, उद्धव ठाकरे करके। अरे तोतली, तू हमारे महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की जुत्ती है, जुत्ती, समझी, जुत्ती है। सर, आई प्राउड ऑफ यू, महाराष्ट्र के हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी, क्या बोले हैं आप। महाराष्ट्र सीएम का अपमान, पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। और तोतली, तुमने उनका अपमान किया। तू तड़ाके से बात करते, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही लक्षण दिए हैं कि जो हमारे सीएम है या कोई भी बड़े पद पर मंत्री है, उनको ऐसे तू तड़ाके से बात करो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लक्षण नहीं दिए हैं अच्छे? जब अठावले साहब तुम्हारे घर पर आए तो दो टांगे ऊपर करके सेक्सी ड्रेस पहन के बैठी थी, वाह। और अभी हमारे हमारे महाराष्ट्र सीएम के बारे में तू तड़ाके से बात करती हो? शेम ऑन यू यार तोतली, शेम ऑन यू। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अभी भी ट्विटर पर जिंदा हो, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए। एक नंबर की झूठी हो तुम झूठी साबित हो चुकी हो तोतली, पूरी झूठी साबित हो चुकी हो ट्विटर से। अब तुम हर जगह से निकल जाओ। वारे तोतली कंगना, क्या पब्लिसिटी स्टंट है पब्लिसिटी पाने का और देश की जनता के करीब जाने का। वाह वाह, तेरे लिए तो तालियां बजानी पड़ेगी। तूने शुरुआत करी सुशांत की मौत पर पब्लिसिटी स्टंट, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र को पीओके बोला, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी के बेटे को तुमने टारगेट किया, उसके बाद महाराष्ट्र के पुलिस को, मुंबई पुलिस को टारगेट किया, फिर उसके बाद हमारे सीएम को टारगेट किया, उद्धव ठाकरे जी को। अरे करम जली, शेम ऑन यू। तेरी 14 पुश्त भी जन्म लेगी ना तो एक एक मराठियों का बाल भी बाका नहीं कर सकती। हमारे सीएम तो बहुत दूर की बात है। अरे तेरे में दम है, आ मराठियों से लड़के दिखा अपने घर में। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत त्याग दिया है उन्होंने एक एक मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र लोगों के लिए। आज उनकी आत्मा इतनी खुश हो रही होगी कि उनका सुपुत्र महाराष्ट्र के सीएम है। इससे हमें भी बहुत गर्व है कि जो मेहनत उन्होंने की, आज मेहनत रंग लाई। और तुम तोतली, महाराष्ट्र सीएम के खिलाफ, मराठी लोगों के खिलाफ साजिश रचा रही हो, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश रचा रही हो। तुम हमारी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे महाराष्ट्र में बंद करके कहीं और खुलवाना चाहती हो, ये तुम्हारी साजिश है। तुम्हें क्या लगता है देश की जनता तुम्हारी तोतली आवाज है ये बाबा बातों को सुनेगी? नहीं सुनेगी। आदरणीय महाराष्ट्र के जो सीएम है हमारे उद्धव ठाकरे जी से, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी, जिस तरह हर जगह मुंबई पुलिस नंबर वन पर है, उसी तरह महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री एकदम वर्ल्ड लेवल में नंबर वन पर आए। मैं गुजारिश करना चाहूंगी उसे उस तरफ बढ़िया बनाया जाए, ताकि हमारे बॉलीवुड को कहीं और जाके शूटिंग करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें स्विट्जरलैंड या यूरोप या लंदन अमेरिका महाराष्ट्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में दिखे। इसकी जिम्मेदारी मैं भी उठाने के लिए तैयार हूं, अगर ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए कि फिल्म इंडस्ट्री को बेटर से बेटर बनाया जाए, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नंबर वन बनाया जाए, ताकि सब लोग शूटिंग यहीं पे करें, यहीं पे स्वर्ग। हमारा मुंबई स्वर्ग है, हमारा मुंबई स्वर्ग है, हमारा मुंबई। जय महाराष्ट्र, जय मुंबई, जय भारत।